मेरे को हो गया जी 16 साल 8 महीने कंटिन्यू काम करते हुए हो गए हैं, और अभी तक कोई भी छुट्टी नहीं ली है और आगे भी छुट्टी लेने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं कंटिन्यू काम करना चाहता हूं और पूरी सर्विस काम करने की इच्छा है। स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। इससे पहले प्राइवेट में भी 4 साल कंटिन्यू काम किया और उसके बाद एक्सीडेंट हो गया था, फिर 1 साल रेस्ट पे रहे। 1 साल रेस्ट के बाद मार्च 2002 से अभी तक मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। मार्च 2002 से 2005 तक प्राइवेट बस में, और वहाँ से संडे को उतर के सोमवार को सुबह यहाँ ज्वाइनिंग करी 2005, 4 जून। तो 4 जून 2005 से मैं अभी तक लगातार काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं ऐसा है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में काफ़ी सारे लोग मर गए थे, 14 लोग मर गए थे। उसके बाद हमें दोबारा जीवन मिला, दोबारा काम करने की और शक्ति बढ़ गई। भी चलो जो लोग एक्सीडेंट में मारे गए, हो सकता था उसमें हमारा भी नंबर आ जाता। जब बच गए तो कुछ नया करने की सोच आई माइंड में। डेली 170 से 180 किलोमीटर सफ़र करता हूँ जी। अभी आजकल जिस रूट पे हूँ, कौन से रूट पे आज आजकल मैं नाहन घाटो रूट पे हूँ। हम यहाँ से 3:30 जाते हैं, 8:30 घाटों पहुँचते हैं। सुबह घाटों से हम 6 बजे चलते हैं, 10:15 10:30 बजे नाहन पहुँचते हैं। नाहन में मेरे को 2 से 3 घंटे रेस्ट मिलता है। नहीं जी, घर मेरी सिर्फ 2 नाइट है आज तक, 2011 और 2015 नाइट ही नाइट है। ऑन ड्यूटी गया था दिवाली के दौरान और बस आधे रास्ते तक गए थे। मेरी ज्वाइनिंग 2021 में हुई जून में, और मैं इनके साथ बहुत अच्छे ढंग से सवारियों के साथ व्यवहार रखते हैं, और जैसे कि पर्स मोबाइल वगैरह किसी का छूट जाता है तो ये उसे वो वापस लौटाते हैं। ये बहुत अच्छे हैं और मुझे तो इनके साथ अच्छा लगता है बिल्कुल चलने के लिए, और मैं इसी रूटीन में चल रहा हूँ। 1 साल हो गया मुझे यहाँ पे चलते चलते कौन से इस रूट पे रूटीन। चलते हैं आप लोग? मेरा नाहन से घाटों, नाहन से कोरक बडोल, नाहन से अरलू, नाहन से बिच्चड़बाग, ये रूट है हमारे। और इनके जो है पब्लिक बहुत कोऑपरेट करती है, इनको बहुत अच्छा स्वभाव है इनका, बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार से अपने काउंटर पे बैठते हैं, टिकट काटते हैं, सवारी को परेशान नहीं करते। बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को तो ये बहुत।